साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत का हमने क्या बिगाड़ा था, अगर वो मिल जाए तो उसे चप्पलों से पीटा जाएगा। ये हमारी ही बद्दुआओं का असर है कि संजय राउत पकड़ा गया है। ईडी का बहुत बहुत आभार जो हमें इंसाफ दिलाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। ये शब्द उन परिवारों के हैं जो कि पात्रा चौल घोटाले की वजह से आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। सिर्फ 2-4 परिवार नहीं है बल्कि पूरे 672 परिवार ऐसे हैं जिनके साथ पात्रा चौल में स्थायी घर बनाने के नाम पर बहुत बड़ा स्कैम किया गया था और ये सभी लोग सालों से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अब जैसे ही ईडी के एक्शन की खबर इन लोगों तक पहुंची तो ये सभी बेहद खुश हो गए और अपनी तरफ से भी संजय राउत के खिलाफ खड़े होने की बात कह दी। अब अगर 672 परिवार एक साथ जुट गए हैं और केस दर्ज कराने पर उतारू हो गए हैं तो संजय राउत की मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी ये आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि संजय राउत को पात्रा चौल घोटाले में अरेस्ट किया गया है। 1,000 करोड़ से भी ज्यादा के इस स्कैम में संजय राउत की वजह से 672 परिवार सड़क पर आ गए थे। दरअसल साल 2007 में पात्रा चौल में रह रहे 672 परिवारों को पक्के घर का सपना दिखाया गया था और उन्हें पुनर्विकास की बात कहकर ठगा गया। परिवार पक्के घर के झांसे में आ गए और अपनी अपनी चौल खाली कर खुशी खुशी किराए पर रहने लगे, क्योंकि उस वक्त उनसे कहा गया था कि उन्हें किराए के पैसे भी दिए जाएंगे। अब गरीब परिवारों के लिए तो ये किसी सपने से कम नहीं था कि चौल की जगह पर पक्का घर मिलना और जितने दिन में फ्लैट बनेंगे उतने दिन का किराया भी मिलना। मगर ये बातें सिर्फ हवा हवाई साबित हुई, क्योंकि उन 672 परिवारों को 2-4 महीने तो किराए के पैसे मिले और उसके बाद किराया मिलना बंद हो गया। अब ये लोग ठगे गए तो कहीं के नहीं रहे, सड़क पर आ गए किराया दे या घर की रोजी रोटी का इंतजाम करे। कुछ परिवार जो किराया नहीं दे पाए उन्हें मकान मालिक ने निकाल दिया। कुछ परिवार सड़क किनारे टेंट बनाकर रहने को मजबूर हो गए। 100 से ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो कि इस घोटाले के बाद सदमे में गुजर गए, परिवार के परिवार तबाह हो गए। मगर अब जाकर उन परिवारों को थोड़ी तसल्ली मिली है और अब वो परिवार एकजुट होकर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कह रहे हैं। दरअसल संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई मीडिया हाउस उन परिवारों से संपर्क कर रहे थे जो कि इस घोटाले के पीड़ित हैं। तो इस दौरान कई परिवार सामने आए जिन्होंने अपना दुखड़ा मीडिया के सामने रखा और इन परिवारों की बातों को सुनकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। कुछ मजबूरियों की वजह से हम आपके सामने इनकी पहचान जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जान की सुरक्षा सबसे बड़ी बात है। अब इन लोगों का कहना है कि हमें साल 2007 में ठगा गया था और आज इस बात को 15 साल हो गए हैं। इन 15 सालों में हम कहीं के नहीं रहे, ना हमारे पास घर है, ना चौल और ना ही किराया देने के पैसे। हमारे साथ के कई लोग तो सदमे में ही मर चुके हैं, मगर अब हमें ईडी की तरफ से थोड़ी उम्मीद जगी है और अब लगता है कि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमें भी इंसाफ जरूर मिलेगा। ये पूछने पर कि क्या वो लोग संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इस पर इन परिवारों का कहना है कि हम तो पहले से ही सोच रहे हैं कि सभी परिवार मिलकर संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाने जाएं, क्योंकि ठगे तो हम ही गए हैं, परेशानियां तो हमने ही सही हैं। इन लोगों का तो ये तक कहना है कि अगर संजय राउत को हमारे हवाले कर दिया जाए तो हम उसे चप्पलों से पीट पीट कर ही मार डालेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हम बुरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि ये पूरा मामला साल 2007 का है। महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MHADA प्रवीण राउत, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की मिली भगत से ये घोटाला होने के आरोप हैं। साल 2007 में MHADA यानी म्हाडा ने पात्रा चौल के रीडेवलपमेंट का काम गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को दिया था। ये कंस्ट्रक्शन गौरेगांव के सिद्धार्थ नगर में होना था। म्हाडा की 47 एकड़ जमीन में कुल 672 घर बने हुए थे। रीडेवलपमेंट के बाद गुरु आशीष कंपनी को 3,500 से ज्यादा फ्लैट बनाकर देने थे। म्हाडा के लिए फ्लैट्स बनाने के बाद बची हुई जमीन को प्राइवेट डेवलपर्स को बेचना था, मगर 15 साल के बाद भी कंपनी ने लोगों को फ्लैट बनाकर नहीं दिए। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने फ्लैट रीडेवलपमेंट का काम करने के बजाय इस 47 एकड़ जमीन को 8 अलग अलग बिल्डरों को 1,034 करोड़ रुपए में बेच दी और इसी मामले में संजय राउत का नाम भी शामिल है।
अब अगर इन परिवारों की माने तो वो लोग जल्द ही संजय राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाने जा रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन संजय राउत के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि वैसे ही ईडी के शिकंजे में राउत हैं, और अगर एक साथ इतनी सारी शिकायतें दर्ज होती हैं तो राउत की बची हुई उम्र जेल में कटने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको क्या लगता है, क्या 672 पीड़ित परिवारों को संजय राउत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए या सभी को राउत के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो संजय राउत कितनी बड़ी आफत में फंस जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो ऑर्थर रोड जेल में अचानक क्यों सरगर्मी मची हुई है, और नवाब मलिक के बगल वाली सेल में ही संजय राउत को क्यों रखा जाना तय हुआ है, ये आपको बताएंगे। मगर पहले समझिए कि आखिर संजय राउत की गिरफ्तारी की असल वजह ईडी ने कोर्ट में क्या बताई है। तो 1039 करोड़ और 79 लाख रुपए के पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले में गिरफ्तार किए जाने के बाद शिवसेना सांसद संजय राउत 4 अगस्त तक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कस्टडी में हैं। ईडी की ओर से अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन में ये दावा किया गया है कि संजय राउत इस घोटाले के यानी कि पात्रा चौल पुनर्विकास घोटाले के एक्टिव कॉन्सिपिरेटर थे, यानी कि सबसे ज्यादा एक्टिव साजिशकर्ता थे। ये ईडी ने कोर्ट में दावा किया है। इस घोटाले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत को ईडी ने संजय राउत का सबसे करीबी बताया है, और खबर तो ये भी है कि ईडी 4 अगस्त से पहले ही प्रवीण राउत और संजय राउत को आमने सामने बैठा कर भी पूछताछ कर सकती है, जिसमें और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद ईडी की तरफ से जताई जा रही है। ईडी का दावा है कि शिवसेना सांसद संजय राउत के करीबी होने की वजह से प्रवीण राउत को महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि MHADA से जरूरी मंजूरी भी मिल गई थी। कोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि अब तक की जांच से पता चला है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवीण राउत की ओर से अवैध रूप से प्राप्त 112 करोड़ रुपए में से 1 करोड़ 6 लाख रुपए सीधे संजय राउत और उनके परिवार को दिए गए। ईडी ने कोर्ट में दावा किया है कि ये राशि और भी ज्यादा हो सकती है, यानी कि ये पैसा और भी ज्यादा हो सकता है, जो कि आगे की जांच और पूछताछ में सामने आएगा। ईडी की तरफ से अदालत में दायर रिमांड एप्लीकेशन के मुताबिक प्रवीण राउत ने कई बार संजय राउत के परिवार के देश और विदेश में मनाई छुट्टियों का पूरा खर्चा भी उठाया था, जो कि एक ट्रिप का ही लाखों रुपए में हुआ करता था। हालांकि संजय राउत ने अदालत में इन सभी आरोपों को दरकिनार किया है, मगर ईडी का कहना है कि संजय राउत पात्रा चौल घोटाले के एक्टिव साजिश करता है। अब ईडी के इन्हीं दावों के बाद कोर्ट ने फिलहाल राउत को 4 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। और अब जो सबसे अहम खबर आ रही है वो ईडी दफ्तर या कोर्ट से नहीं बल्कि ऑर्थर रोड जेल से है। जी हाँ, संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही ऑर्थर जेल में सरगर्मी शुरू हो चुकी है। खबर तो यहाँ तक भी है कि ईडी और जेल स्टाफ की सहमति के बाद संजय राउत के लिए जेल की सबसे स्पेशल सेल भी खुलवाई गई है, और बड़ी बात ये है कि ये सेल ठीक नवाब मलिक के बगल वाली सेल बताई जा रही है।